ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां अब नेतन्याहू ने खामेनेई को दी चेतावनी, पहली बार हसन नसरल्ला की मौत पर दिया बयान। इसराइल के हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है। नसरल्ला की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान सामने आया है। अब नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इसराइल को निशाना बनाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। इजरायली सेना IDF के सटीक हवाई हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है। नसरल्ला की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान सामने आया है। अब नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू की आयतुल्ला खामेनेई को चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शासन को चेतावनी जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इसराइल को निशाना बनाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और ईरान या मध्य पूर्व में कोई भी स्थान इसराइल की पहुंच से परे नहीं है। इसराइल की लंबी भुजाएं सब जगह पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू ने लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के नेता नसरल्ला की बेरूत में इसराइली हवाई हमले में मौत के बाद अपना पहला बयान जारी किया। उन्होंने कहा शनिवार को तेल अवीव में इजरायली रक्षा बलों के मुख्यालय से बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल द्वारा हिजबुल्ला नेता की हत्या ने अनगिनत इसराइलों और अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ हिसाब चुकता कर दिया है, जिनमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने नसरल्ला की हत्या को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त बताया। इजरायली प्रधानमंत्री उन हजारों इसराइलियों का जिक्र कर रहे थे जो देश के उत्तर में सीमा पार से गोलीबारी के कारण विस्थापित हो गए हैं। इसराइल के हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है। नसरल्ला की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान सामने आया है। अब नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इसराइल को निशाना बनाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। इसराइली सेना IDF के सटीक हवाई हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है। नसरल्ला की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान सामने आया है। अब नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू की आयतुल्ला खामेनेई को चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शासन को चेतावनी जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इसराइल को निशाना बनाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और ईरान या मध्य पूर्व में कोई भी स्थान इसराइल की पहुंच से परे नहीं है। इसराइल की लंबी भुजाएं सब जगह पहुंच सकती हैं।